मध्य प्रदेश के सिद्धी में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सिद्धी कस्बे के रामपुर नैकिन थाना इलाके में मंगलवार सुबह एक यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। बस में 54 यात्रियों के सवार होने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद 7 लोग तैर कर बाहर निकल आए, जबकि 4 शव निकाले गए हैं। नहर इतनी गहरी है कि बस पूरी तरह उसमें डूब गई है। क्रेन के जरिए बस को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कलेक्टर से बात की है। हादसा रीवा सिद्धी बॉर्डर के पास छुया घाटी के नजदीक हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस समय ये हादसा हुआ, बस सीधी से सतना जा रही थी। साइड लेने के दौरान ये पुलिया से सीधे नहर में जा गिरी। घटना के बाद पास के ग्रामीण और अन्य लोग बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। SDRF और गोताखोर मौके पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज़।